हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट डोनी जूनियर यानी हमारे आयरन मैन के बारे में, जिन्होंने क्रिस इवान के कमेंट पर कुछ कहा है। बल तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात सभी एमसीयू फैंस को पता चल गई है कि क्रिस इवान ने रिटायरमेंट ले ली है कैप्टन अमेरिका के रोल से। ये बात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताई थी और ये कंफर्म कर दिया था कि अब वो फ्यूचर में हमें एज कैप्टन अमेरिका नजर नहीं आएगी एमसीयू की कोई भी फिल्मों में। इस खबर को सुनने के बाद काफी सारे एमसीयू फैंस का दिल टूट गया और अब हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने उन्हें एक फाइनल गुड बाय कहा है, ये लिखकर कि सभी को पता है कि टाउन का श्रेफ कौन था। वेल, उनका बोलने का मतलब ये है कि एमसीयू के यूनिवर्स में असली कैप्टन कौन था। और आगे उन्होंने क्रिस इवान का नाम भी डाला है और साथ ही साथ इस पिक्चर को उन्होंने अपलोड किया है जिसमें हम बज लाइटियर को देख सकते हैं एज आयरन मैन के लुक में और वुडी को देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका के लुक में। तो अब रॉबर्ट डॉनी जूनियर की इस कमेंट से भी कंफर्म होता है कि हमें क्रिस इवान एमसीयू में नजर नहीं आने वाले, क्योंकि काफी फैंस ये मान रहे थे कि ये शायद कोई नई स्ट्रेटजी है अवेंजर्स 4 को प्रमोट करने की। लेकिन मुझे लगता है कि अवेंजर्स 4 फिल्म को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस फिल्म की हाइप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है रॉबर्ट डॉनी जूनियर के इस कमेंट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये बात सुनकर कितनी ज्यादा बुरी लग रही है कि क्रिस इवान अब हमें फ्यूचर में एमसीयू की फिल्मों में एज कैप्टन के रोल में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस रोल को काफी टाइम पहले ही छोड़ देना चाहते थे लेकिन रॉबर्ट डॉनी जूनियर के मनाने के बाद वो फिर से इस रोल को करने के लिए मान गए। यहां तक कि जब स्टूडियो ने उन्हें पहली बार ये प्रपोजल भेजा था कि वो कैप्टन अमेरिका का रोल करने के लिए रेडी है या नहीं, तो उस टाइम पर भी क्रिस इवान ने मना कर दिया था और फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने ही उन्हें जाकर मनाया था और उनसे ये कहा था कि सुपर हीरोज की फिल्म में हॉलीवुड का फ्यूचर है, जिसके बाद क्रिस इवान मान गए थे। तो अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार फिर उन्हें रॉबर्ट डॉनी जूनियर जाकर मना लेंगे और वो मान जाएंगे, इस बार के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कोई भी बात डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हो, जहां पर मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊं। कल तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।